नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL का जो है लेक्चर्स कवर कर रहे थे। और अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने इसका कवर किया हुआ है, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका देखिए PDF हम बना रहे हैं, जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए इसके अलावा जो है हमने जनरल साइंस का भी पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है आपका, और GK का भी किया हुआ है जो कि इसमें पूछे जाएंगे। तो आप लोग भी उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सभी का। और देखिए हमने जो है एक कोर्स भी आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जनरल इंग्लिश और आपका GK का, जो कि आपके इन सारे एग्जामिनेशन के लिए पूछे जाएंगे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं आपके, DFCCIL का हो, HAL का हो, HPCL का हो, DSSSB, RSAB का, तो इन सभी में जो है आपका लगभग इंग्लिश और GK तो पूछा ही जाएगा। किसी किसी में आपका इंग्लिश नहीं है, लेकिन बाकी सभी में आपके आएंगे इसमें। तो उसके लिए जो है ये कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जो कि इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड करेंगे ही आपको, साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज PDF भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको जो है इसी के साथ में प्रोवाइड करेंगे आपको, इंग्लिश और GK के। और देखिए ये जो है केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ में ही केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड करने ला, ऐप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सर जी क्लासेस के नेम से ही आपका है। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको जो है रजिस्टर करना हो, फिर उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टोर वाले सेक्शन पे जाना है, यहीं पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और जैसे ही आप लोग बाय कीजिएगा तो कंटेंट में है, यहाँ पे आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, जितने भी आपके लेक्चर्स के, जो भी आपके लेक्चर्स, जो भी आपके यहाँ वीडियो है इंग्लिश और GK का, और साथ में टेस्ट सीरीज है, तो आपको जो है इसमें पूरा दिख जाएगा। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो प्रीवियस क्लास में देखिए हमने जो है जितने भी सब्सिडरी जो कंपनीज है और इंडियन रेलवे के, तो उसके बारे में स्टडी किया था। तो आज देखिए जो कवर करेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे और जितने भी लोकोमोटिव्स इंडिया में हैं, और साथ में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर में, वो चाहे आपका रेलवे से रिलेटेड हो, मतलब जितने भी इंजन के मैन्युफैक्चरिंग आपका हो गया, या फिर जो है कोचेस रिलेटेड हो गए, तो ये सारा कुछ है इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज आपका यहाँ पे लोकोमोटिव्स होता है, तो इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि दैट इज लोको आपका हो गया, लोको हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं इंजन एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग इंडियन रेलवे की, तो प्राइमरी देखिए जो इंडियन रेलवे है, तो ये जो है आपका आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक और साथ में जो है आपका डीजल दोनों लोकोमोटिव्स रहते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ में कुछ जो है जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के भी, इससे भी रन करते हैं। तो मेनली जो है थ्री मेजर रहते हैं यहाँ पे, मोस्टली आपको जो है इलेक्ट्रिक आप ज़्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये प्लान है कि जितने भी डीजल लोकोमोटिव्स है तो उनको रिप्लेस करते उनको रिप्लेस करके पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड कर देना है। तो ये टारगेट इनका है आने वाले समय में जो है, इनमें भी आप देख सकते हैं कि बाद में जो है आपको कोई भी डीजल लोकोमोटिव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बट प्राइमरी अभी बात करते हैं तो अभी तीन तरह के लोकोमोटिव्स होते हैं, और जनरली आपका इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स है। तो इसमें देखिए जो आपका रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स तो आप देखते होंगे, डीजल लोकोमोटिव्स ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई हो पाई हो। और इसके साथ में देखिए जब स्टार्टिंग जब हुआ था, अब जैसे कि जानते हैं कि जब पहला ट्रेन जब चला था तो उसमें आपने देखा था कि वो जो है स्टीम ड्रिवन बेस था, यानी कि वो जो है ना तो इलेक्ट्रिक ना डीजल था ना कि CNG से था, वो आपका जो है स्टीम लोकोमोटिव था। तो ये देखिए वो पहले शुरुआत हुआ था, और अभी भी जो है आपका यहाँ पे केवल एक ही जगह पे, मतलब अभी जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं मतलब हिली एरियाज है, तो वहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव्स अभी भी ऑपरेट करते हैं। तो जिसमें कि आपके वो ऐसे कुछ फ्यू हेरिटेज साइट्स हैं एक्चुअली में यहाँ पर आपका, जो कि एक तरीके से हेरिटेज जो ट्रेन होते हैं, तो सिर्फ उनके लिए रूप में ये ओकेजनली मतलब उस तरीके के लिए रन करते हैं। तो चार तरह के मे भी आपको लोकोमोटिव देखने को मिल सकते हैं इंडिया के अंदर में, लेकिन मोस्टली है आपका इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव सबके रहेंगे। स्टीम जो लोकोमोटिव जो होते हैं, तो ये केवल जो हेरिटेज ट्रेन्स होते हैं जो कि आपका हिली रीजन में जो ऑपरेट करते हैं, जो केवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए बस वो रहता है आपका, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये मिलेंगे। तो एक तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपका है, तो ये एक स्टीम लोकोमोटिव से ऑपरेट करता है आपका। तो ये जो है मतलब रखा गया है जो कि आपका हेरिटेज ट्रेन है एक्चुअली में, तो सिर्फ वहीं पर ये स्टीम अभी भी फिलहाल ये रन करता है। तो देखिए जो हिस्ट्री है हमारा इंडियन रेलवे का, उसमें हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जो स्टीम लोकोमोटिव था, तो वो जो है आप जानते हैं कि ये रेड हिल जो रेलवे आपका है, जो कि बिल्ड किया गया था आपका आर्थन कॉटन के द्वारा, ये किया गया था जो कि ग्रेनाइट को जो है ढोने के लिए एक्चुअली ये बनाया गया था आपका यहाँ पे। तो ये जो है आपका उस समय ये चला था आपका रेड हिल से लेके आपका
दैट इज चेन्तरा डिपेट ब्रिज तक, ये जो कि आपका ये चेन्नई में स्टार्ट हुआ था आपका 1837 में। तो इस तरीके से फिर बाद में जो है स्टीम इंजन्स को मतलब जो थे उनको रिप्लेस करके फिर इसके बाद डीजल इंजन आया आपका, उसके बाद आपका फिर इलेक्ट्रिक जो इंजन है वो आए। तो इस तरीके से जो है इनका रिप्लेसमेंट होते गया और अपग्रेडेशन करता ही गया हुआ है। तो अब देखिए जो लोकोमोटिव जो होते हैं इंडिया के अंदर में, तो इनको देखिए क्लासिफाई किया जाता है आपका बहुत सारे थे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका गेज के बेसिस पे भी हो सकता है, कुछ जो इंजन्स होते हैं वो आपके नैरो गेज में ब्रॉड गेज में भी तो उस तरीके से ऑपरेट करते हैं आपके, तो उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया हुआ है। इसके अलावा जो इनका जो मोटिव पावर होता है यानी कि किसका कितना कैपेसिटी होता है पावर, मतलब कितना ऑर्डर होता है उसके कितना पावर जनरेट होता है, तो इसके बेसिस पे भी जो है क्लासिफाई किया गया हुआ है। और इसके साथ में वर्क पे भी दिया जाता है कि वो किस टाइप का वर्क के लिए सुटेड है, तो इस तरह के भी जो है इंजन डिजाइन किया जाता है। और इसके साथ साथ में पावर और मॉडल नंबर जो रहता है आपका यहाँ पर, तो इन तरीके से किया था। तो देखिए जैसे कोई भी आपका इंजन रहता है मतलब आजकल जो नॉर्मली जो बनते हैं उसमें, तो इस तरीके से मान लीजिए कुछ अल्फाबेट उनमें लिखा रहता है, जैसे 4 to 5 लीटर का रहता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं WAP-5 आपका है, तो जो ये लेटर जो होते हैं इसमें, तो ये भी जो है ऐसा नहीं कि रेंडमली कुछ भी रखा जाता है, तो ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते ही है। तो इसमें से देखिए कुछ ये नॉलेज के लिए आपका यहाँ पे है कि जैसे ये जो लेटर जो होते हैं तो ये कोई ना कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करते ही हैं आके। तो इनमें देखिए जो आपका फर्स्ट लेटर जो रहता है, जैसे कि आप WAP देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, आपका एग्जैक्ट भी अभी नहीं भी हो सकता है, तो इसमें देखिए जो आपका रहता है पहला जो लेटर रहता है तो वो जो है आपका ट्रक जो ट्रैक गेज है यानी कि वो किस ट्रैक पे वो रन कर रहा है तो ये उसको शो करता है, और बाकी जो सेकेंड लेटर रहता है आपका तो वो जो है मोटिव पावर को शो करता है। मोटिव पावर कहने का मतलब है कि वो जो इंजन आपका वो डीजल है या फिर जो है इलेक्ट्रिक है। फिर इसके बाद थर्ड लेटर जो आपका रहता है तो वो जो है आपका सुटेबल ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जो ये जो इंजन है यानी कि जो लोकोमोटिव्स है तो वो आपका जैसे गुड्स का गुड्स को ढोने के लिए या फिर पैसेंजर्स को ढोने के लिए या फिर जो है आपका वो सेंटिंग के लिए है, तो ये सभी चीज़ों के लिए है, तो ये पता चलता है थर्ड लेटर से। और बाकी देखिए जो फोर्थ लेटर आपका रहता है तो ये जो है लोकोमोटिव्स का एक उनका एक क्रोनोलॉजिकल जो मॉडल और नंबर रहता है तो वो उनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक तरीके से आपका एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्वेश्चन आपका इनमें से नहीं आएगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए जो फोर लेटर आपका पहले हुआ करता था तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसमें कुछ रिप्लेसमेंट भी हो चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि जो फोर्थ लेटर आपका था यहाँ पे तो इसमें जो है अब यहाँ पे जैसे ये पहले क्रोनोलॉजिकल नंबर ये शो करता था यहाँ पर आपका, लेकिन इसको जो है रिप्लेस करके अब इसमें देखिए उसका जो हॉर्स पावर जो रेंज होता है कोई भी लोकोमोटिव का तो ये उसको इंडिकेट करता है जो फोर्थ लेटर आपका रहता है यहाँ पे। तो मे बी अब 4 लीटर भी रहता है 5 लीटर भी रहता है, तो इसमें हमारा ज़्यादा कोई इशू नहीं है, बस आपको ये नॉलेज के लिए हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जितने भी रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो भी प्लांट्स हैं जो कि लोकोमोटिव्स के लिए बेसली है बेसिकली है, इसके अलावा कोचेस के लिए है, व्हील और एक्सल पार्ट के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केवल हमने ओवरव्यू के लिए आपको बताया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका सारा लिस्ट दिया हुआ है, मतलब हम यहाँ पे एक एक करके जो है सभी देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है रेलवे की, वो चाहे आपका लोकोमोटिव से रिलेटेड हो या फिर आपका जो है वो कोचेस से रिलेटेड हो, तो वो सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट आपका पहले हम देखते हैं लोकोमोटिव्स का, तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो वो है आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका नाम ही इसमें आ रहा है आपका चितरंजन, तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर मतलब एक्चुअली लोकेटेड आपका वहीं पे है, एक्चुअली नेम इसका यहाँ पे इसीलिए नाम आपका दिया हुआ चितरंजन लोकोमोटिव शो। तो इसका देखिए जो हेडक्वार्टर आपका है तो ये चितरंजन जो कि आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, तो ये सबसे पहले तो आपको ये याद रखने लगा है यहाँ पे, और नाम में ही आपका आ रहा है लोकोमोटिव बॉक्स, तो ये लोकोमोटिव्स ही एक्चुअली यहाँ पे जो है मैनुफैक्चरिंग की जाती है। और फॉर्मली देखिए इसका नेम था एक्चुअली में पहले जो इसका नाम था आपका वो केवल इसका नाम था लोको बिल्डिंग वर्क्स, और ये गवर्नमेंट एजेंसी है पूरे तरीके से। और ये देखिए जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपका है तो ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि ये कौन सा जो लोकोमोटिव्स है उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो वह है आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। और ये जो है फाउंडेशन किया गया था इसका 26 जनवरी 1950 को, और कौन कौन से जो लोकोमोटिव इसने प्रोड्यूस किया हुआ था आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आपका WAP-5 हो गया, WAP-7 आपका हो गया, WAG-9 आपका हो गया, तो ये जो है आपका चितरंजन लोकोमोटिव उसमें किया किए गए हुए हैं सारे के सारे। तो ये कैसा आपका है, तो ये जो है आपका एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपका है चितरंजन में।
तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बस इतना ही इसमें से याद रखनी है। तो देखिए जो आपका है ये मोस्टली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्लांट है आपका इंडिया के लिए, जो चितरंजन लोकोमोटिव हाउस है आपका, और ये जो है आपका लार्जेस्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया का। और इनफैक्ट अगर बात करें तो ये वर्ल्ड में भी रहता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो है इसने 2019-20 में लगभग यहाँ पे 431 लोकोमोटिव्स जो है मैन्युफैक्चरिंग किए गए थे। और इसके साथ में देखिए जो लोकोमोटिव्स यहाँ पे रहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव है यहाँ पे, तो ये जो है पर इलेक्ट्रिसिटी से ये ड्रिवन किया था। आप देखते होंगे कि जो ऊपर में तार रहता है, मतलब जो वायरिंग किए हुए रहते हैं, तो उसी से ये ड्रिवन होते हैं जो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स आपके रहते हैं। तो ये चीज़ आपने देखा भी होगा ऊपर में। और इसके साथ साथ में देखिए जो इसका है चितरंजन लोकोमोटिव हाउस जो आपका है, तो इसके स्टोर्स भी हैं और ऑफिसेज भी इसके कोलकाता में है। तो मेनली आपको देखिए यहाँ पे यही याद रखना था कि चितरंजन लोकोमोटिव हाउस जो है ये कहाँ पे है आपका, तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। और ये मतलब लोकोमोटिव किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। फिर नेक्स्ट देखिए अगला आपका यहाँ पे है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो नाम से ही आपका आ रहा है लोकोमोटिव वर्क्स है और बनारस है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो है आपका होगा, मतलब बनारस जो आपका बनारस ही है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका लोकेशन, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा इससे। और देखिए जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, तो ये जो है आपका, ये आपका जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को ही एक्चुअली ये मैन्युफैक्चर करता है। पहले जो है ये करता था डीजल लोकोमोटिव्स पे, यानी कि पहले डीजल जो लोकोमोटिव्स होते थे, इंजन होते थे, तो उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करता था, लेकिन अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। तो जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स आपका है, फॉर्मली इसका नाम देखिए पहले था इसका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और जो कि लोकेटेड कहाँ पे है आपका, वाराणसी में आपका है ये। तो ये भी एक इंडियन रेलवे का ही एक प्रोडक्शन यूनिट है, और इसने जो है मैन्युफैक्चरिंग करना अपना बंद कर दिया है डीजल का, जो कि देखिए ये अपडेट हुआ था आपका यहाँ पे मार्च 2019 में, और इसको रिनेम कर दिया गया था केवल दैट इज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अक्टूबर 2020 से, क्योंकि अब जो है यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री अब मारवाड़ो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए ये जो आपका है, तो ये बिहार का है, यानी कि बिहार में ये लोकेटेड है आपका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और ये देखिए जो है ये जॉइंट वेंचर में बिल्ड किया गया हुआ है, और ये जो है आपका 2019 से ही ऑपरेटेड में है, और मेनली देखिए डेडिकेटेड आपका है डीजल लोकोमोटिव्स के लिए। तो नाम इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो आपका है, जो कि ये आपका यहाँ पे है मारहोरा में है, तो ये कहाँ पे आपका, ये बिहार में है। तो बस आपको इतना ही ये याद रखना है पॉइंट इसमें से। और देखिए यहाँ पे जो डिजाइन किया गया था, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट यहाँ पे जो लगाए गए हुए थे यहाँ पे आपका, तो ये देखिए एक जॉइंट वेंचर है आपका जनरल इलेक्ट्रिक जो कि यूएस का है, और साथ में जो इंडियन रेलवे का जो प्रोडक्शन यूनिट है, तो ये उन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 1000 हॉर्स पावर का, यानी कि हाई पावर एक्चुअली ये फ्राइट लोकोमोटिव्स यहाँ पे किए गए हुए हैं, एक्चुअली डिजाइन किए गए हुए थे आपको इंडियन रेलवे के ट्रैक के ऊपर में। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज फोर्थ नंबर का आपका है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री इन मधेपुरा बिहार। तो ये भी देखिए जो मधेपुरा बिहार में जो आपका जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है इंडियन रेलवे का, और साथ में जो एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूनिट्स है अल्स्टम का, तो ये जो है उसका मतलब ये फॉर्म सेटअप किया गया है यहाँ पे, दोनों को मिल के यहाँ पे वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का जो है ये प्रोडक्शन करने के लिए। फिर इसके बाद देखिए एक और आपका है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स इन पटियाला, यानी कि यह पंजाब में आपका है ये। तो ये देखिए अपग्रेड करता है जो भी लोकोमोटिव्स होते हैं उनको, यानी कि जो भी पुराने हो चुके लोकोमोटिव्स होते हैं, तो उनको अपग्रेडेशन यहाँ पे किए जाते हैं, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव्स होते हैं तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं इस प्लांट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, एक्चुअली इसमें डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपसे यही पूछा जाता है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश में, तो नाम से ही आपका आ जाएगा। और इस तरीके से रहेगा आपका यहाँ पे कि जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स फैक्ट्री आपका है मधेपुरा में, तो ये कहाँ पे है, तो अगर आपको जैसे सिटी याद होगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कौन सा स्टेट में है। फिर नेक्स्ट देखिए जो दूसरा कैटेगरी आपका है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, तो वो है आपका दैट इज रोलिंग स्टॉक्स। तो रोलिंग स्टॉक्स के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रोलिंग स्टॉक के बारे में समझना होगा। तो देखिए जो रेल ट्रांसपोर्ट आपका है, तो उनमें जो आपका रोलिंग स्टॉक रहता है, तो ये उन सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि रेलवे के व्हीकल्स हो गए आपके, और इसके साथ साथ में जो आपके रहते हैं यहाँ पर आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए पावर्ड और अनपावर्ड जो व्हीकल्स रहते हैं इसमें, जैसे कि आपके कुछ हो जाएंगे लोकोमोटिव्स, ये आपका हो गया इंजन रहते हैं वो पावर्ड रहते हैं, और इसके साथ में जो रेल रोड जो कार्स होते हैं कोचेस आपका हो गया,
इसके अलावा जो आपका कार्स वगैरह रहते हैं, प्राइवेट जो रेल रोड रहते हैं वहाँ पे उसके दौड़ाने के लिए, जैसे कार हो गया और वैगन्स हो गए, तो ये सारे चीज़ जो है ये इसके अंदर में आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब कि जो एक ही यूनिट में ये सारे चीज़ मैन्युफैक्चरिंग किए आते हैं। तो इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो आपका है, तो ये जो है आपका ये पेरामपुर चेन्नई में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर लोकेटेड रहती है, आपका पेरामपुर चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में। स्टेट भी आप लोग याद रख लेना। और इसकी देखिए जो स्थापना की गई थी, तो वो है आपका 1955 में। और यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है किए जाते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं, तो इसमें आपको देखिए रोलिंग स्टॉक में आपके सिप सब चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे रेल रोड को कार्स हो गए, कोचेस हो गए, लोकोमोटिव्स हो गए, और साथ साथ में जो है EMU और MMU जो होते हैं, तो ये सारे भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका रहता है प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं इंडियन रेलवे के, एक्चुअली इसमें जो कोच में जो मैन्युफैक्चर किया जाते हैं इसमें यहाँ पे, तो जितनी भी आपके कोचेस होते हैं जिसमें कि आपका इसमें मे भी आप कह सकते हैं जो LHB कोच आपका रहता है यहाँ पे इस तरह के, तो इसका देखिए फुल फॉर्म आपका होता है कि लिंक हॉफमैन बोस। तो ये जो है कोचेस यहाँ पे तो रहते हैं आपका, ये एक तरीके के स्पेशल कोच डिजाइन किया जाता है आपका यहाँ पे। और इसके साथ साथ में जो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट जो होते हैं आपके, तो वो सारा चीज़ है यहाँ पे भी किए जाते हैं। और ये सारे के सारे देखिए जो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स होते हैं एक्चुअली में, तो ये देखिए मेनली कोचेस के लिए करता है आपका यहाँ पे, एक तरीके से पूरा कोच जो तैयार आपका किया था, तो उसके अंदर में जितने भी चीज़ रहते हैं आपके, तो वो सारा का सारा चीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो आपका ये लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका, बस इसमें आपको प्लेस या इसका लोकेशन ही याद रखना है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेम आपको बस याद रखना है कि रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है, तो ये कपूरथला पंजाब में आपका है। तो ये जो है आपका कोच मैन्युफैक्चरिंग करता है एक्चुअली में इंडियन रेलवे के जितने भी मतलब जो भी कोचेस होते हैं उनके, और ये स्टेट पंजाब में आपका है। तो इसमें देखिए कौन कौन से किस टाइप के कोचेस जो है यहाँ पे किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें आपका जैसे कि फर्स्ट एसी के आपका हो गया, फर्स्ट एसी जो एयर कंडीशन होते हैं, स्लीपर कोचेस हो गए आपके, इसके अलावा जो सेकेंड टीयर के जो एसी स्लीपर कोचेस होते हैं, इसके अलावा जो आपके स्लीपर कोचेस भी हो गए, उसका सेकेंड टीयर एसी भी जो रहते हैं यहाँ पे आपका, थ्री टीयर एसी जो भी रहते हैं स्लीपर जो भी कोचेस रहते हैं, तो और इसके अलावा जो एसी चेयर कार जो रहते हैं, तो ये सारा कुछ जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है आपके रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। फिर इसके बाद देखिए तीसरा आपका है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, दैट इज आपका रायबरेली में है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो आपका अगला है मराठवाड़ा जो रेल कोच फैक्ट्री आपका है, जो कि आपका लातूर में है, महाराष्ट्र में है। तो प्लेस आपको इंपॉर्टेंट है, प्लेस आपको इंपॉर्टेंट ओनली ही याद रखना है इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए अगला जो आपका यहाँ पे है व्हील एंड एक्सल प्लांट्स ऑफ द इंडियन रेलवे। तो देखिए जो व्हील्स जो और जो एक्सल जो होते हैं, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जो व्हील्स लगे रहते हैं जो आपके लोहे के, और जो एक्सल रहते हैं ये, तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है मतलब प्लांट जो है, तो वो उसमें इंपॉर्टेंट आपका है, दैट इज रेल व्हील फैक्ट्री इन बेंगलोर कर्नाटका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख लेना कि रेल व्हील फैक्ट्री ये कहाँ पे आपका, तो ये बेंगलुरु में है आपका कर्नाटक स्टेट में। तो मेनली देखिए जो रेल व्हील फैक्ट्री आपका है, तो ये देखिए ये एक जैसे व्हील और एक्सल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका इंडियन रेलवे का, जो कि जितने भी टाइप के व्हील्स होते हैं और साथ में जो एक्सल्स होते हैं और साथ में जो व्हील के जो सेट्स होते हैं, वो चाहे आपका रेल रोड वगैंस का आपका हो गया, कोचेस का हो गया, या फिर जो लोकोमोटिव्स के ही आपके हो गए, तो सभी के जो कोचेस के मतलब चाहे आपका कोई भी कोचेस का हो या फिर आपका जो एक इंजन का हो, तो सभी के जो व्हील्स और एक्सल पार्ट जो होते हैं, तो वो आपका यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आप लोग बस याद रखना है यहाँ पे। और इसका देखिए जो स्थापना किया गया था 1984 में किया गया था, हेडक्वार्टर इसका आपका यहाँ पे है दैट इज येलाहंका बेंगलोर। फिर इसके बाद देखिए इसमें देखिए कैपेसिटी भी बढ़ाया जाते हैं टाइम टू टाइम पे आपका यहाँ पर, यह किया गया था कि जैसे प्लांट कैपेसिटी है इनका कि इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के 70,000 तक कर देने का था व्हील जो भी थे इसके, और इसके साथ साथ में आपका जो 23,000 के लगभग जो एक्सल्स है, तो ये सारे भी इतने प्रोडक्शन किए गए थे जब इनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई थी उस समय। तो और साथ साथ में जो व्हील सेट्स होते हैं, तो उसको भी असेंबलिंग करने का जो कैपेसिटी वो भी बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो व्हील और एक्सल जो होते हैं, तो वो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल आपका इसमें यही है कि जो रेल व्हील फैक्ट्री है ये कहाँ पे है, तो आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। फिर अगला देखिए अगला आपका है कि रेल व्हील प्लांट दैट इज बेला इन छपरा, तो ये आपका बिहार में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग बस याद कर लेना है। तो देखिए इसमें जितने भी मेन जो पॉइंट है, बस आपको वही याद रखना है यहाँ पे, डिटेल में इसके डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका इसी तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए एक समरी के तौर पे हमने आपके लिए दे दिया है, अगर आप लोग ऊपर जो भी चीज़ हमने आपको बताया वो नहीं भी याद रखते हैं, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। जैसे कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका है, तो ये कहाँ पे है, ये बनारसी में आपका उत्तर प्रदेश में।
फिर इसके बाद आपका है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपका, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये है आपका चितरंजन वेस्ट बंगाल में। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, तो ये पटियाला पंजाब में आपका है। फिर अगला देखिए जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री आपका है, तो ये मधेपुरा बिहार में है। फिर अगला देखिए जो रेल व्हील और एक्सल जो फैक्ट्री है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर नेक्स्ट देखिए जो रेल कोच फैक्ट्री आपका है, तो ये कपूरथला पंजाब में आपका है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। और जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपका है, तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। तो इतना ही बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी टॉपिक हमने आपको बताया हुआ है, तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन आपका इन्हीं में से पूछे गए थे, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इन टॉपिक से, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड, तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इंडियन रेलवे का, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो हमने आपको बताया था कि जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, तो ये जो है आपका ये चेन्नई में लोकेटेड आपका है। जो एक कोच होता है तो उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के आते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड, तो देखिए जो रेल व्हील फैक्ट्री आपका है इंडियन रेलवे का, तो ये कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। हमने आपको बताया था इसका बेंगलुरु में लोकेटेड आपका रेल व्हील फैक्ट्री इंडियन रेलवे का, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला देखिए एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, जो कि 12,000 हॉर्स पावर का ये बनाया गया था, यहाँ पे बिल्ड किए गए थे, जो कि अप्रैल 2018 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। एक हाई स्पीड जो है आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो किए गए थे, तो ये जो है आपका कौन सा जो है रेलवे के फैक्ट्री में ये बिल्ड किया गया था, जो कि आपका है ये, तो ये देखिए जो मधेपुरा बिहार में आपका है, तो वहीं पर यह बिल्ड किया गया था। तो इस तरीके से करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। और जो करेंट अफेयर होगा इंडियन रेलवे से रिलेटेड, तो वो आपका प्रीवियस 1 ईयर का, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। फिर इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में आपके, तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका यहाँ पे कि रेलवे स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय, तो जो रेलवे के जो स्टीम इंजन होते हैं, तो वो जो है किसके द्वारा इन्वेंट किए गए थे, तो ये देखिए जॉर्ज स्टेफेंसन के द्वारा ये किया गया था। आपको बस इसमें नाम ही याद रखना है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में आपका है। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया था यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हमने जो है रेलवे और साथ में जो कोचेज होते हैं, तो उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर में, तो वो हमने देखा। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे रेलवे के जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं हम लोग। इनसे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है कि जितने भी इंस्टीट्यूट है और साथ में लोकेशन कहाँ पे है इनकी, तो ये दिया हुआ है। तो पहला देखिए आपका है कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो कि इसे पहले देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से भी जाना आता था, तो ये देखिए आपका है वडोदरा में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका याद रखना, वडोदरा गुजरात में आपका है ये। फिर इसके बाद देखिए अगला इसमें नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो ये है आपका पुणे महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट देखिए कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये है आपका सिकंदराबाद, जो कि आपका तेलंगाना में आता है आपका यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये है आपका जमालपुर बिहार में। फिर अगला देखिए है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये है आपका नासिक महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट अगला है आपका कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, तो ये है आपका लखनऊ में। फिर अगला है आपका कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये है आपका सिकंदराबाद तेलंगाना में। तो ये देखिए केवल इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन कहाँ पे है इनका, बस यही याद रखना है। इसको डेप्थ में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि ये एक्चुअली इसमें क्या होता है यहाँ पे, बस नाम से ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेम है तो उसी से रिलेटेड ही आपका होगा। तो आई होप कि ये सारे चीज़ जो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है, तो ये कहाँ पे है, तो हमने आपको बताया था कि जो भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान आपका है, तो ये पुणे में आपका है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि इन विच सिटी इज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड, तो इन नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये देखिए आपका गुजरात का जो वडोदरा है, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया भाई कि इन विच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड, तो देखिए जो नेशनल रेल म्यूजियम है, तो ये कौन सा सिटी में ये लोकेटेड है, तो देखिए ये है आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन 4 इज द इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए जो है बहुत सारे कलेक्शन रखे गए हैं आपके, लगभग जो 160 जो हुआ है इंडियन रेलवे का,
तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट मतलब जो कोचेस होंगे, मतलब जो भी ओल्ड हो चुके होंगे, इसके साथ साथ में जो इंजन्स होंगे पुराने दुराने, तो वो जो है इस म्यूजियम में रखी जाती है। तो ये कहाँ पे आपका है जो कि नेशनल रेल म्यूजियम आपका, तो ये न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है। बस आपको ये याद रखना है कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये न्यू दिल्ली में आपका है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है आपको स्टडी करना मतलब होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों को वही फोकस करके जाना है एग्जाम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो जो है हम आपका पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर आपका कराते चल रहे हैं। तो आप लोग भी अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, हम भी जो है पूरा अपना एनर्जी लगा रहे हैं आपके लिए कंटेंट बनाने में। और देखिए, इसका पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम भी अपने तरीके से इधर लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड कर दे। तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए और साथ में वीडियो को भी शेयर आप लोग करते रहिए अपने फ्रेंड्स के एमओ। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आगे भी देखिए इसी तरीके से आपके लिए जो है लेक्चर्स बनाते रहेंगे इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री और DFCCIL का, और इसके बाद जो आपका मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है और बाकी और भी जो भी चीज़ें हैं इसमें आपके इकोनॉमिक्स है, तो वो भी आपका हम जल्दी कवर करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।